जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुलिस स्टेशन बारामूला में पिछले हफ्ते में हमने एक FIR रजिस्टर किया था, FIR नंबर 173/2024 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ। उस FIR में हमने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो है दो लोगों को गिरफ्तार किया था और चार माइनर फीमेल्स को जो है रेस्क्यू किया था। इस FIR की तफ्तीश जब शुरू की गई और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें पता चला कि इसमें और लोग भी मुलव्वस हैं। तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए पुलिस पार्टी ने जो है दो और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है गुलाम मोहम्मद खान जो कि नारबल का रहने वाला है और मंजूर अहमद शाह जो कि जाबाजपुरा का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद और तीन लड़कियों को जो है इनकी कस्टडी से रेस्क्यू किया गया है। अब तक इस केस में पुलिस ने चार गिरफ्तारियां की है और सात नाबालिग लड़कियों को जो है रेस्क्यू किया है, जिनको नारी निकेतन में रखा गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस पूरे मॉड्यूल को जो है उसकी जड़ तक हम पहुंचे और जो भी लोग इस काम में मुलव्वस है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और ताकि समाज में इस तरीके की बुराइयां जो है उनका नाश किया जाए। अभी तक जो हमारी तफ्तीश हुई है उसके मुताबिक जो लड़कियां हमने बरामद की है वो सारी लड़कियां जो हैं बर्मा की रहने वाली हैं और गत वर्षों में जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में एंटर हुए हैं। तफ्तीश चल रही है कि किस तरीके से इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है और कैसे इनको इंडियन टेरिटरी में एंट्री पॉसिबल हुई है, इसमें हमारी तफ्तीश चल रही है। जैसे ही और फैक्ट सामने आएंगे उचित कार्रवाई की जाएगी।